राम राम भाई सारे किसान भाई ने, किसान भाई आप सभी का आपके अपने मोर इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, आपको इस वीडियो के अंदर किसान भाई से कुछ जानकारी लेवांगे भाई। किसान भाई आपको इस वीडियो के अंदर कुछ बताएंगे, मैसी 245 के बारे में हम किसान भाई से पूछेंगे भाई। रोटावेटर से कद्दू करने का क्या फ़ायदा है, कितना डीजल लेता है, इसमें कौन से गियर में चलता है, कितनी रेस पर चलता है, यह सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर लेवांगे। तो चलिए भाई किसान भाई से बात करांगे। तो किया जी, तो गियर काट लो जी, एक बार रेस कम कर लो, ट्रैक्टर की टैब बंद कर लो जी। राम राम जी। राम राम भाई, क्या नाम है जी? बलिंदर। बलिंदर, गांव कौन सा जी आपका? सत्तर। सत्तर गांव है भाई। तो कितने साल से रोटावेटर से कद्दू कर रहे हो जी? तकरीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। हाँ। एरो से कद्दू करते हैं कुछ किसान भाई और आप रोटावेटर से कर रहे हैं, तो इसका क्या अंतर है इन दोनों में? क्या तो अपने अपनी धरती फर्क हो जाए, जिस तरह अपने अपनी जमीन नई धरती में रोटावेटर कामयाब है, पानी नहीं पीती जमीन। अच्छा, जो पहली बारी धान की खेती कर रहे हैं उनके लिए रोटावेटर बढ़िया है? हाँ, बहुत बढ़िया है। अच्छा, पानी कम पीएगी इसका? पानी कम पीएगी, पहाड़ी बढ़िया कटेंगे। अच्छा, पानी की बचत होगी रोटावेटर से करने का? बहुत बढ़िया बचत। और धान की फसल कैसी हो भाई इसमें? धान की फसल बहुत बढ़िया हो इसमें। कुछ कहते हैं भाई इसमें पेड़ा नहीं बनाती रोटावेटर से, कद्दू कर मैदान की रोटावेटर में पूरी मतलब बेहतर ज्यादा हो इसमें। रोटावेटर से कद्दू किया? पिछली बार भी। पिछली बार भी। अच्छा अच्छा, लगातार 2 साल हो गए? 2-3 साल हो गए लगातार। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये आप कौन सा गियर में चला रहे हो इस ट्रैक्टर में? मशीन तीसरा लो में। हाँ। और रेस कितने की करो हो? रेस करा 12-13 की। अच्छा, जो अर्रो से कद्दू कर रहे हैं और इसमें तेल की भी बचत है कुछ? ये बच्चे तो उसमें पूरा सुंदर जब तो पड़ा है पूरा। अच्छा, दो बार भी ट्रैक्टर निकालना पड़ा है? हाँ, फिर फागा जोड़ना। अच्छा, इसमें एक बार में काम बन गया है एक के बरी में। हाँ। कुछ कहते हैं भाई दो बरी करना पड़ा है? ना जाएगी जरूरत में। आप देख सकते हैं खेत एक बरी में ही काम, एक के बरी में। तो रेस कितना की रखो? रेस 12-13 की। रेस 12-13 ही बस? बस, जमा आराम से चलता आप देख रहे हो। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। डीजल कितना ले भाई? बस डीजल मैं 3-3.5 लीटर ले लूँगा किला में। 3-4 ले लेगा जो जमा है। केवरा कहते हैं भाई इसमें धीरे चल रहा है ट्रैक्टर, तो दसन का भी सिस्टम बना है रोटावेटर में तो? अच्छा, तो आप देखने लग रहे हो इधर कई मन्ने भी देखा है काफी बड़ी ट्रैक्टर दस रहे हैं रोटावेटर में, ये कारण है भाई? जितनी ज्ञान अपना मैं तो भाई वीडियो ने शेयर करो ताकि यह वीडियो सारे किसान भाई अंदर पहुँच सके। तो भाई इसमें कैसे निकालना है रोटावेटर? रोटावेटर जिसमें टेम का लगा निकालना अपना, लीवर भात रखा है? लीवर भात रखा, ज्यादा लगते ट्रैक्टर दस जगह। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी, करो जी काम। तो देखो भाई तीसरा गियर लगाएंगे और 12-13 की रेस पर ये ट्रैक्टर चलता है। आपने देखा भाई किसान भाई ने तर्क सारी बात बताई है, रोटावेटर तक कद्दू करा इस साल बहुत बढ़िया फसल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे के लो में चल रहा है, लीवर पे हाथ रखो ट्रैक्टर दसेगा ही नहीं। यदि आपका रोटावेटर ज़्यादा लग गया तो ट्रैक्टर दसने के चांस बढ़ जाते हैं। ये जो सारी जानकारी किसान भाई ने आपको खुद बताई, आप देख सकते हैं कद्दू कर रहे हैं, ये नहीं है कि वैसे ही कोई है, ये इस साल 10-12 किले की इस प्रकार से कद्दू करते हैं। ये देखिए भाई, आपको ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर भी दिखाएंगे सभी प्रकार से कैसे चलाना, ये अगली वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान भाई, किसान जिंदाबाद।